इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के अंदर जब भी कोई पैकेज पार्सल हम रिक्वेस्ट रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूछ सकता है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। तो इन तीनों में से आपको क्या चूज़ करना होगा, किस तरीके से मतलब आप चूज़ करते हैं तो कौन सा बेस्ट है और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न, एक्सचेंज है, रिफंड है, रिप्लेसमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सचेंज पर क्लिक करता हूँ तो साइज आता है, रिफंड पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आएंगे मेरे सामने। अब ये तीनों में से आपको कौन सा यूज़ करना होगा जिससे कि आपका पैसा आपको 100% मिल पाएगा। रिप्लेसमेंट भी है, रिफंड की बात करेंगे हम। मुझे रिफंड चाहिए, मुझे यहाँ पे दूसरा पैकेज नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए गिफ्ट कार्ड है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गिफ्ट कार्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। गिफ्ट कार्ड ये क्या होता है, मान लीजिए आपका जो पैकेज है वो डिलीवरी बॉय आज लेकर गया, ठीक है, तो उसके 4 से 5 घंटे के अंदर आपके गिफ्ट कार्ड के तौर पर पैसा ऐड होता है। इसी पैसे का यूज़ करके आप दूसरा कोई भी पैकेज पार्सल यूज़ कर सकते हैं और ये 1 साल के लिए आपका जो है गिफ्ट कार्ड पड़ा रहता है। अगर आप यूज़ भी ना करें तो भी 1 साल तक आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, इसकी कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1 साल तक आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं जब चाहे तब, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैंक अकाउंट वे UPI और दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैंक अकाउंट। वैसे आप डायरेक्टली अपने UPI पर भी पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू UPI पर क्लिक करना है, आपका जो UPI ID होगा उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आपका यहाँ से पैकेज जो है डिलीवर बॉय लेकर चला जाएगा उसके बाद आपका जो UPI है उसके ऊपर जो है फ्लिपकार्ट वाले पैसे भेज देंगे, ठीक है। 24 आवर लगेगा लेकिन मिनिमम 8 से 12 घंटों में ही आपका पैसा यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको जानकारी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।